जरूरी बैठक संडे के दिन भी टीम 11 की सुबह 11 बजे ली है और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश आज दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा, आप सबको मालूम है कि अभी खेती में हार्वेस्टिंग का काम, कटाई का काम चल रहा है, फसल की कटाई का काम चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग को, एपीसी साहब को और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि किसानों को हार्वेस्टिंग के लिए आवागमन में कोई असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय प्रशासन नियमों में सरलीकरण करके किसानों को सहायता दे, ये महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि फसलों के प्रोक्योरमेंट यानी उनके क्रय में मंडी की व्यवस्था को और सुचारू बनाया जाए। हर हालत में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो जरूर उनको मिल जाए। MSP के माध्यम से यदि वैकल्पिक क्रय गांव में या खेत पर ही किसान के उपज से अगर खरीद लिया जाता है तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाएगा। और उन्होंने आज ये निर्देश दिया है कि इसके संदर्भ में यदि कृषि और मंडी विभाग के नियमों में कोई परिवर्तन करना है तो कर दिए जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए, यानी फूड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज यदि गांव में जाकर खरीद कर सकती है और MSP वो किसानों को दे रही है तो उनको अलाउ किया जाएगा, उनको हेल्प किया जाएगा, उनको अनुमति भी दी जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। लगभग 30-40% फसल की कटाई अब करीब करीब, जो कृषि विभाग ने कल मुझे बताया है, वो पूरी हो गई है और कृषि विभाग जोर शोर से लगा है कि फील्ड में जिलाधिकारियों के माध्यम से, विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारियों के माध्यम से किसानों की फसलों की कटाई में कोई दिक्कत ना हो, साथ साथ उनको मंडी में अगर लाना है तो मंडी में लाने में अब दिक्कत ना हो, मंडी के क्रय की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। और उसके साथ साथ यदि गांव में खेत पर भी किसान का खरीद अगर होनी है तो एजेंसी यदि खरीदती है तो उनको भी अनुमति दी जाए। एक महत्वपूर्ण निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जो आज बैठक की थी टीम 11 में, उसमें साथ साथ उन्होंने ये निर्देश सभी शिक्षा विभाग के जुड़े हुए सीनियर ऑफिसर्स को दिया है, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रमुख सचिव टेक्निकल एजुकेशन, प्रमुख सचिव वोकेशनल एजुकेशन और इसके साथ साथ मेडिकल एजुकेशन के भी प्रमुख सचिव को ये निर्देश दिया है कि जहां तक संभव हो उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा में भी जो शिक्षा है और नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए भी जो शिक्षा है, उसमें ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था को व्यवस्थित और बृहद रूप से जो है आगे बढ़ाया जाए, जिससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके शिक्षा पर कोई प्रभाव ना पड़े। उन्होंने जो निर्देश दिया है उस क्रम में मुझे जो बताया है, उदाहरण के रूप में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा द्वारा कि CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर है और उसने जो है अब तक कोर्स कंटेंट 225 कोर्सेज का शुरू कर दिया है और वेबिनार यानी वेब ट्रेनिंग के माध्यम से 2 कोर्सेज टीचर्स के चलाए हैं और ऑनलाइन मटेरियल लगभग 4000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराया है। इसमें जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, माइक्रोसॉफ्ट मीट के माध्यम से, गूगल क्लासेस के माध्यम से, ऑनलाइन लिंक्स जो UGC या MHRD ने प्रोवाइड किए हैं उनके माध्यम से और NPTEL की माध्यम से जो है ये उन्होंने जो है व्यवस्था की है। और ई टाइम टेबल, पहली बार जो है ई लर्निंग के लिए ई टाइम टेबल भी स्टूडेंट्स का बनाया गया है जो यूनिवर्सिटी ने अपलोड कर दिया है। तो जिस प्रकार चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी जो ये है, इसने जो कार्य किया है, इसी प्रकार सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देशित कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन शिक्षा की कार्रवाई सुनिश्चित कर ली गई है और इस काम को टेकअप किया गया है। जैसा मैंने अभी बताया,
माननीय मुखर्जी जी ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को यह अवगत कराया है कि ऑनलाइन व्यवस्था में लगभग लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने काम शुरू कर दिया है। अनेक विषयों पर ई कंटेंट तैयार करके उनको निरंतर अपलोड किया जा रहा है और विद्यार्थी अपने घर पर ही आसानी से एक्सेस करके उच्च कोटि की शिक्षा भी अब ले सकेंगे, क्योंकि इसमें स्टैंडर्डाइज कंटेंट होगा, अच्छे जो टीचर्स होंगे उनका जो है सॉफ्ट कंटेंट होगा, तो ऐसे में निश्चय ही इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए, जैसा मैंने अभी बताया, वेबिनार भी जो है किया गया है और इस प्रकार लॉकडाउन की अवधि में विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं भी उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को कोई नुकसान न हो और घर पर ही उनके सेमेस्टर की अवशेष पढ़ाई भी पूरी की जा सके। विद्यार्थियों के परीक्षा और शिक्षा संबंधी जो उनपे जो एक प्रेशर बनता है वो भी ये ऑनलाइन व्यवस्था से दूर की जा सकती है और ऑनलाइन व्यवस्था में स्टूडेंट्स की काउंसलिंग भी की जा रही है। यदि कोई स्टूडेंट्स जो है परेशान है या उनको कोई ऑनलाइन काउंसलिंग की जरूरत है तो ये काउंसलिंग भी दी जा रही है। तो ये दो महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए हैं, एक कृषि विभाग के संदर्भ में, एक हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में जो ऑनलाइन शिक्षा और पूरे कोर्सेज को कंप्लीट करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया। आगे आप सबको मालूम है कि अगले सप्ताह में या इसी सप्ताह में जो है कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी है, कुछ बड़ी जयंती भी है और भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सबको मालूम है जो है 14 अप्रैल को जो है अलग अलग जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो ऐसे में जो निर्देश ये भी है शासन के और इसकी भी समीक्षा की गई है और काफी सहयोग धर्मगुरुओं का और सभी लोगों का मिला है और अंबेडकर जयंती पर भी बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि अंबेडकर जयंती भी घर पर लोग मनाएं। ये एक जो है सुझाव भी सरकार का और ये प्रस्ताव भी सरकार का है और इसमें भी बहुत अधिक जो है ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहीं भी लोग इकट्ठा ना हो, तो इसका भी एक निर्देश सभी जनपदों में जाए, लोगों का जन सहयोग लिया जाए। जो अब 14 तारीख को विशेष रूप से जो अलग अलग कार्यक्रम धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं वो भी लोग घर में मनाए, तो उसको अभी निर्देश सबको गया हुआ है। इसके साथ साथ एक निर्देश मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दिया है कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, छात्र हैं, अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, आरोग्य सेतु ऐप का अधिक से अधिक उपयोग करें। आरोग्य सेतु ऐप में काफी मात्रा में लोग जो है उससे जुड़ रहे हैं और आरोग्य सेतु ऐप ऐसा है जो संक्रमण से बचने और स्वयं को बचाने के लिए जो है एक ऐप है, जिससे बहुत अधिक लोगों को आगे चलकर जो है दूरी बनाए जाने के संदर्भ में सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करने में भी लाभ मिलेगा। कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी के लिए भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं और काफी मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है।